दरियावद नगर पालिका के द्वारा नगरवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्य जीरो लेवल पर होने पर आमजन परेशान है। नगर पालिका के किस वार्ड में आधे से अधिक प्रमुख चौराहे, बाजार, गलियों में रोड लाइट तथा शत प्रतिशत हाई मास्क लाइट बंद पड़ी हुई है। नगर पालिका में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी का वेतन तथा सफाई कर्मी ठेकेदार का वेतन भी विगत 9 माह से नहीं हुआ, जिसके चलते सफाई कर्मी ने विगत 10 दिनों से नगर में सफाई करने का कार्य का बहिष्कार किया। इसी समस्या को लेकर नगर पालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सहित पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित करते हुए अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी तथा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर को भी समस्या से मोबाइल पर अवगत कराया। समस्त पार्षदों ने बताया कि नगर के विभिन्न मार्गों, बाजार, सड़क व गलियां एवं चौराहे में, खासकर अस्पताल के सामने, पुलिस थाना व उपखंड कार्यालय सहित समस्त हाई मास्क लाइटें कई महीनों से बंद पड़ी है तथा रोड लाइट का भी रखरखाव समय पर नहीं होने से अंधेरा छाया हुआ है। पार्षदों ने मांग की है कि नगर पालिका के पास बजट भी पड़ा हुआ है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें नगर पालिका धरियावद में अधिशासी अधिकारी कुंदन सिंह देथा, सहायक लेखा अधिकारी रविंद्र गुज्जर, अधिशासी अभियंता संदीप भाषार को हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत को ज्ञापन सौंपा गया। हो गए हैं पदस्थापित अधिकारी को, हम के थक गए, ज्ञापन दे के थक गए। आज हमने अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया, जिसमें हमने ये प्रस्ताव लिया कि ऐसे भ्रष्ट और लापरवाही पूर्वक जो अफसर के कारण हमारे दरियाद की ये दुर्दशा हो रही है, पता नहीं इंटरनेशनल से ये काम नहीं कर रहे हैं या कैसे नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। जब भी इन्होंने कोई काम किया होगा तो अपने स्वार्थ का किया होगा और उस चक्कर में दरियाद के लोग घूम घूम के थक गए। एक भी काम आज दिन तक नहीं हुआ, इतना समय हो गया। जब पंचायत थी तब हम लाइट भी लगाते थे, सफाई भी करते थे, लेकिन चूंकि नगर पालिका होने के बाद तो ऐसा होता है कि यार काम ज़्यादा होए, लेकिन आज दिन तक ना तो लाइट व्यवस्था हो पाई ना सफाई व्यवस्था हो पाई। इसके अलावा जो पट्टे बन रहे थे वो भी नहीं हुए, जमीन रूपांतरण का काम था वो भी नहीं हो पाया। सारे वार्ड पंच जैसे लग रहा है कि हम एक कहीं ऐसी जगह फंस गए जो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी मात्र ये है कि जो अधिकारी लगे हुए हैं जो बिल्कुल जिनका रवैया अच्छा नहीं है, पंचायत नगर पालिका बॉडी के और नगर पालिका पार्षद गण, इवन दैट मेरे तक भी ये लोग पूछना है उचित नहीं समझते हैं, काम करना क्या है क्या नहीं करना है। कैंप जब बनना, जब राज्य दरियावद की सफाई व्यवस्था 15-20 दिन हो गए बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, 9 महीने से इन फोर्थ क्लास जो लोग थे उनका भी पेमेंट नहीं हुआ, जो चतुर्श्रेणी जो रीजन काम करते हैं उनका भी पेमेंट नहीं हुआ, तो मजबूरन हमने कई बार उच्च अधिकारी को भी कहा, कलेक्टर साहब को भी कहा, SDM साहब को भी कहा, थक हार के हम परेशान हो गए। और ऐसे अधिकारी कई काम के नहीं है, सिर्फ ये समय व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हमने आज बोर्ड की आवश्यक बैठक बुलाई जिसमें सारे पार्षदगण उपस्थित रहे और सबकी सर्वसम्मति से ये प्रस्तावित किया है जो हमारे 9 महीने जो बिगड़े हैं इन लोगों की वजह से बिगड़े, जिनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको नगर पालिका दरियाव से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ऐसा हमने ज्ञापन तैयार किया और एक आवश्यक बैठक ली, उस कार्रवाई में लिया, फिर जाके आज हमने ताला लगाया मजबूर होकर, और ताला लगा के हमने सबको बाहर निकाला। इस पर भी इनको कहा जाए कि भाई यार ये ऑफिस हमारा खुला रहे, तो जबरदस्ती हमको चाबी लेनी पड़ी और बाहर निकाले। जब इनको हटाया जाए और हमारा सारा जो पार्षद गणों का और मेरी खुद की जो डिमांड है, जो हमारे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके आवश्यक काम नहीं हो रहे, लाइट व्यवस्था सफाई व्यवस्था बोर्ड तक जब तक नहीं सुधरेगी तब तक इनको ऐसे करप्ट और भ्रष्ट और नहीं काम करने वाले अधिकारी की इस नगर पालिका में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने आज सभी पार्षदों ने मिलकर इनको निकाल दिया है। हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो हम मंजूर है, लेकिन गाँव और जनहित में जो हमने काम किया जो बिल्कुल हमारे हक बनता है, और ये कोई चीज पूछने को तैयार नहीं है कि हम कोई काम करें नहीं करें। इसके साथ आज सब पूरे बोर्ड की बैठक से यही कहा कि इनको तुरंत हमने निकाले और तालाबंदी की, और ये ताला तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारी ये समस्या बड़े उच्च अधिकारी आके कलेक्टर साहब या फिर DDR साहब, तब तक हम इस ताले को नहीं खोलेंगे।